अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बख़ैर ज़िंदगी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हो रहा है जी, मौसम बहुत खूबसूरत, तो सोचा ज़रा बाहर चक्कर लगा कर आते हैं, मगर इतना ज़बरदस्त मौसम देख के मूड हो गया जी लॉन्ग ड्राइव का। अब लग रही है जी भूख, तो चलते हैं अपने किचन में और कुछ यम्मी सा नाश्ता बनाते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल फूड टू फ्लेवर। आज हम बना रहे हैं बहुत चटपटे और मज़ेदार से मूड छोले, जिसे हम सर्व करेंगे लस्सी और पूरियों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। आते हैं जी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो हमारे पास है जी 500 ग्राम्स चिकन है, जो विद बोन्स है। छोटी बोटी करवा लें क्योंकि वो गलने में आसानी से अच्छी लगती है। चने हैं 2 कप हमारे पास, जो कि बॉयल्ड हैं। और हमारे पास है 1 chopped ऑनियन है, 1 कप टोमेटो प्यूरे है, 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट है। ड्राई स्पाइसेस में हमारे पास 2 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon कोरिएंडर पाउडर, 1 teaspoon क्यूमिन सीड्स हैं, 1/2 teaspoon हमारे पास टर्मरिक है, 1/2 teaspoon हमारे पास गरम मसाला है, सॉल्ट टू टेस्ट है, रेड चिली फ्लेक्स हम ऐड करेंगे 2 teaspoon, ऑयल इज रिक्वायर्ड है। गार्निशिंग के लिए हमारे पास है जी ग्रीन चिलीज हैं फाइनली स्लाइस्ड, कोरिएंडर है चॉप्ड और जिंजर जूलियंस हैं। पैन रख दें जी चूल्हे पे, फ्लेम ऑन कर लें। ऐड करेंगे हम 2 tablespoon फुल ऑयल के। चले जी, ऑयल हीट हो चुका है। हम ऐड करेंगे फाइनली चॉप्ड अनियंस, बहुत ब्राउन नहीं कीजिएगा वरना सालन का कलर खराब हो जाता है। हल्के हल्के गोल्डन होने लगेंगे तो हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। अब ये सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम ऐड करेंगे चिकन। अब चिकन और प्याज को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें ऐड करें जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड फ्राई टिल इट चेंजेस कलर। अब ऐड करें ड्राई स्पाइसेस और टोमेटो प्यूरे, मिक्स वेल। मसाले मिक्स हो चुके हैं, अब हम ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स और सॉल्ट टू टेस्ट। अब पानी ऐड कर दीजिए और गोश्त गलने के लिए रख दें। चलिए जी, अब हम चेक करते हैं चिकन को कि वो कितनी भुन चुकी है। प्यूरे का पानी तकरीबन खत्म हो चुका है, अब आप इसको भूनेंगे 2 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं कि प्याज भी गल गए हैं और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। भूनने के बाद आपने इसमें चने ऐड कर देने हैं। चने ऐड करके आपने अच्छी तरह इनको भूनना है। करेंगे 1 glass पानी ताकि इसकी ग्रेवी भी बन जाए और चने और चिकन सब का मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ठीक है, जब हम इसे पानी आंच पे पकने के लिए रख देते हैं। अब
अब छोले तो बन रहे हैं, तो हम इन्हें धीमी आंच पे दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर देंगे और इस चूल्हे पे हम करेंगे पूरियों की तैयारी। पूरियों के लिए हमने डो रेडी किया है, इसमें हमने ऐड करा है 2 कप्स ऑफ मैदा जो कि वाइट फ्लोर होता है, और सॉल्ट टू टेस्ट होगा 2 टेबलस्पून हमने इसमें घी ऐड करा है। वाटर इज रिक्वायर्ड, बहुत सॉफ्ट डो नहीं हो, बहुत हार्ड नहीं हो, ऐसी कि आप पिंच करें तो ये बाउंस बैक हो। बस ये है इसके इंग्रेडिएंट्स, और लेट इट रेस्ट फॉर 1 आवर और उसके बाद हम इसकी पूरियाँ बनाएंगे। तो शुरू करते हैं, अब हम इनके पेड़े बनाएंगे। पेड़े बना के आप ड्राई फ्लोर में डस्ट कर लेंगे, पूरी के हिसाब से बनाएं, जितनी बड़ी आपको पूरी बनानी हो। मैं एक नॉर्मल साइज की बना रही हूँ। अब हम बनाएंगे पेड़े। अब हम ड्राई फ्रूट में भी ऐड करते हैं। अब हम बेलना शुरू करेंगे पूरी। आप पूरियां बेल के एक प्लेट में रख लीजिए ताकि, और ऑयल हीट करने के लिए रख दीजिए ताकि आपकी आसानी हो, और एक साथ फटाफट आप पूरियां तल लें। ऑयल गरम होने के लिए हमने जो रखा था उसको चेक कर लें। ऑयल अच्छा हीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। हल्का हल्का प्रेस करते जाएं ताकि ये पक जाए। अच्छा जी, पूरियां हमारी तल चुकी हैं, सालन भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें स्टार्ट करना है गरम मसाला पाउडर। बहुत सारे लोग ब्लैक पेपर पसंद करते हैं, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं ऐड कर रही हूँ हल्की सी ब्लैक पेपर। ऊपर से भूनते हुए नहीं डालें वरना सालन का कलर बहुत ही ख़राब हो जाता है। अब हम करेंगे इसे डिश आउट गार्निश के साथ। अब आ जाते हैं लस्सी पे। लस्सी के लिए जी हमें चाहिए क्रश्ड आइस, 1 कप दही है, 1/2 ग्लास से थोड़ा ज़्यादा हमारे पास दूध है, चीनी एज टू टेस्ट है, ठीक है। अब बनाते हैं हम लस्सी। हम ऐड करेंगे योगर्ट। ठीक है जी, अब हम करेंगे
तो तैयार हैं जी गर्मा गर्म मुर्ग छोले, जिन्हें गार्निश किया है कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिली और जिंजर जूलियन से, फूली हुई नरम नरम पूरियां और ठंडी ठंडी लस्सी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।